फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट विशाल गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जी हाँ, जो है वो बिहार विधानसभा कार्यालय परिचारी छात्रों के लिए खुशखबरी, उसका नया एग्जाम डेट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि बिहार विधानसभा में जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट था, इसको लेकर के बहुत सारा असमंजस था। कुछ असमंजस ये भी था, पहले मुझे असमंजस ये भी था, और बहुत सारे चीज़ों को भी लेकर के कि इसका जो है वो ऑफिस अटेंडेंट का जो है वो इंटरव्यू होगा। सो फाइनली वो इंटरव्यू नहीं होगा, अब आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा। और रिटर्न एग्जाम अगर होगा तो बात करते हैं रिटर्न एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो उस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उस मुद्दे पर बात करने से पहले, जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में आने वाले समय में यानी 8 महीने या 9 महीने के अंतर्गत आपको 5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो भी सरकारी नौकरी। ठीक है, तो सरकारी नौकरी अगर आपको बिहार में करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको केवल नौकरी की वैकेंसी के बारे में ही नहीं, उसके एग्जाम प्रिपरेशन भी करवाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आपने सही सुना। जैसा कि आज के दौर में हर व्यक्ति एक कंटेंट देने के लिए भी, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को भी देखा है, शिक्षक ही नहीं कहूँगा, यूट्यूबर को देखा है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को पहले अपने यूट्यूब चैनल से जोड़ते हैं और फिर उनसे पैसे लेते हैं, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये PDF के लिए, कंटेंट के लिए। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नहीं है। अगर आप शिक्षा को मूल्य से देखते हैं तो फिर वो मूल्यहीन हो जाएगा। और अगर आप सही मायने में अगर आप बच्चों की सेवा करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि मैं देता हूं, तो यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करवाई जाती है। आपको पता होगा इससे पहले मैंने बिहार विधानसभा ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो उसका एग्जाम पैटर्न मैंने पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी जो नए बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100 प्रश्न में से 40 GK GS का और 15 आपका साइंस का, यानी टोटल 55 क्वेश्चन आपके GK GS का रहने वाला है, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा और 15 क्वेश्चन मैथ का, यानी 55, 15, 70 और 70 और 30 100 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप रीजनिंग इसका काफ़ी लो लेवल का होता है, मतलब काफ़ी आसान होता है। अगर बच्चा 1 से नहीं 10 दिन भी अगर रीजनिंग बढ़िया से पढ़ लिया SSC का रीजनिंग, तो वो आराम से बना लेगा। ठीक है, बाकी रहा 15 जो सवाल आएंगे उसके तैयारी कहाँ से करवा दीजिएगा, तो उसके लिए मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है @ExamBag, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कंटेंट दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो एग्जाम चैनल का नाम क्या है, @ExamBag। जी हाँ दोस्तों, फिर से बोल देता हूँ, @ExamBag वहाँ पर जाइएगा और जाकर देखिएगा। ऑफिस अटेंडेंट, जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में कार्यालय परिचारी, उसके लिए मैंने 1000 प्रश्नों का श्रृंखला बनाया है, जिसको मैंने 10 पार्ट में बांटा है, 100-100 करके। आप उस तमाम प्रश्नों को जाकर एक बार देख लीजिएगा, एक नहीं कम से कम 2 बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि वो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो उसी को मैंने केवल सॉर्टिंग करके इस क्वेश्चन में, मतलब इस वीडियो में आपको डाला है, ताकि आपको वैसे प्रश्न जो आपको देखने को मिले। चुके जाहिर सी बात है, बिहार सरकार कुछ नया करने की मुद्रा में नहीं होती, बिहार सरकार जो होती है वो ओल्ड टेक्निक पर ही अभी भी काम करती है। आपको पता होगा सभी जगह ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, लेकिन बिहार सरकार में आज भी सभी एग्जाम जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप निश्चिंत रहिए कि कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन का वेटेज कल भी था और आज भी रहेगा। इसलिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन ऑफिस अटेंडेंट या फिर कार्यालय परिचारी के लिए हो जाए, तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भाई बंधु हैं या फिर आपके रिलेटिव है जो भी इस फॉर्म को भरा है या फिर ग्रुप डी के किसी भी फॉर्म को भरे हैं, तो आप उन्हें उस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर कहीं तैयारी हो सकती है बेस्ट, तो वो आपको उस चैनल के बारे में उनको बता दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ ये तो हो गया तमाम प्रक्रिया, आप कैसे तैयारी करेंगे। अब बात करेंगे कि सर कार्यालय परिचारी का क्या कुछ एग्जाम का डेट आने वाला है। तो कार्यालय परिचारी का जो डेट है वो आपका नियर अबाउट, जैसे कि बात करें कि टेंडर जो जारी किया गया था बिहार विधानसभा में, तो उस टेंडर का जो आखिरी तारीख है वो 18 तारीख है। 18 तारीख को टेंडर ओपनिंग किया जाएगा और जिस भी एजेंसी को मिलेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 10 से 12 दिन लिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि जो जो डॉक्यूमेंट बिहार विधानसभा को चाहिए वो डॉक्यूमेंट से दिया जाएगा। साथ ही साथ सेंटर जो उसने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा, उस सेंटर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ का अधिकारी जाएंगे और अधिकारी जाकर के उसे फाइनली ग्रीन सिग्नल दे देंगे। और जब इस मंथ के लास्ट तक, यानी अगस्त जुलाई चल रहा है 18, और 18 जुलाई के बाद यानी 12 दिन जो है वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन ले लेगा और आपका एग्जाम डेट जो है वो अगस्त में जारी कर दिया जाएगा। यानी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कैलेंडर फिर से जारी किया जाएगा, चूंकि उस कैलेंडर जो पहले जारी किया गया था उस कैलेंडर के रिगार्डिंग कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई, चूंकि जाहिर सी बात है कैलेंडर तब जारी किया गया था जब एजेंसी कन्फर्म था किसी से एग्जाम करवाना है। आप चूंकि एजेंसी ही बदल दी गई, नया एक बिडिंग शुरू किया गया, तो नया एग्जाम कैलेंडर फिर से जारी किया जाएगा। तो हो सकता है कि नया एग्जाम कैलेंडर ही आपको देखने को मिले, वो भी मैं सबसे पहले आपको यहाँ बता दूंगा कि एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। और अगर एग्जाम कैलेंडर आएगा भी, तो जाहिर सी बात है उसमें जो आपका एग्जाम डेट रहने वाला है वो अगस्त के मिड या फिर लास्ट तक रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी वैसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे, सोच रहे हैं कि हमने फॉर्म भरा था, तैयारी नहीं की है, तो वो हमारे उस यूट्यूब चैनल पर जाकर के तमाम वीडियो को देख कर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी सवाल जो है वो 10th लेवल जो MTS में आप लोग कहीं ना कहीं फॉर्म भरे होंगे या फिर MTS नहीं भी भरे होंगे, तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा MTS रीजनिंग जो है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप रीजनिंग का तैयारी कर सकते हैं। और अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ का भी आपको
मिल जाएगा एमटीएस लेवल का मैथ वहाँ पूछने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा तमाम जानकारी आप लोगों का कार्यालय प्रचारी के बारे में, ऑफिस अटेंडेंट के बारे में, बिहार विधानसभा का, जो कि बच्चे काफ़ी व्याकुल थे और लगातार मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि सर इसका एग्जाम कब पूछ रहने वाला। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक फिक्स डेट बता दूँ। जाहिर सी बात आपके मन में बहुत तरह के इस पर कह सकते हैं विचार आते हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो इस बात को मतलब कहीं ना कहीं आप मन को एक शांति बना रखिए कि आपका एग्ज़ाम होना है और वो भी अगस्त में होना है। साथ ही साथ अपने मन में इस एग्जाम को प्रति लेकर के बिल्कुल 100% झोंक दीजिए, जो भी आपका कमी रह गई है, क्योंकि जाहिर सी बात अगर एग्जाम होता है और अपने आप कमियों को पूरा नहीं करेंगे तो सिर्फ एग्जाम होगा, सिलेक्शन किसी और का होगा। आप एग्जाम देंगे, सिलेक्शन किसी और का होगा, लेकिन चाहते हैं कि उस एग्जाम में सिलेक्शन हमारा हो, तो अपने उस तमाम वीकनेस को देख लीजिए। वीकनेस को देखने के लिए आप उस मॉक टेस्ट को लगाइए, जाकर के हजार हजार जो हजार क्वेश्चन है 100-100 करके देखिए, 10 से 10 दिन 15 दिन देखिएगा, तो सारे क्वेश्चन मुंह जबानी आपके मुंह जबानी रटा जाएंगे, और रटा जाएंगे तो तमाम आप क्वेश्चन को अच्छे से आंसर देने के मुद्रा में होंगे। ठीक है, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो हमें मैसेज कीजिएगा, उस मैसेज का जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर है, या फिर कहीं ना कहीं बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, और वो भी उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो रामबाण रहने वाला है। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्री बने चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।